ध्यान रखना, कथा का अमृत भी कान से पिया जाता है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृतम। कथा का अमृत भी कान से ही पिया जाता है और संसार की विषैली वार्ता भी कान से ही भीतर जाती है। ये जो सुनना है ना, श्रवण जो है, इसका बड़ा गहरा प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है। सुनने का देखने से भी ज्यादा सुनने का बड़ा गहरा और बड़ा गंभीर प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने इसी इंद्रिय को भक्ति में लगाने की बात कही है। श्रवणम, भाई कथा सुनो। सबसे पहले कान को ही भक्ति में लगाने की बात क्यों की? क्योंकि सबसे अधिक संसार यहीं से जाता है भीतर, विषय की वार्ता सुन सुनकर फिर विषय का आकर्षण होता है, विषय की बात सुनकर विषय का आकर्षण होता है, फिर विषय का चिंतन होता है, और चिंतन गाढ़ा हो जाए तो संस्कार बन जाता है, संस्कार स्वभाव हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान ने यही व्यवस्था की, भाई सबसे पहले कान को लगाओ भजन में, कान लगे भक्ति में। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छी बात सुनिए। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा समझेगा, और जो अच्छा समझेगा वो अच्छा करेगा। हम यही तो कहते हैं ना भाई, सोच समझ कर करना। गलत सुनोगे गलत सोचोगे, और गलत सोचने वाला गलत ही समझेगा, और जो सोचेगा और समझेगा ही गलत, ठीक करेगा कैसे? तो गलत ही करेगा। क्यों बार बार कुसंग से बचने की बात महापुरुष करते हैं? क्यों? क्योंकि कुसंग आपके विचार को दूषित करता है। आप गलत संग में रहोगे, आपका विचार दूषित हो जाएगा, आप ठीक सोचोगे ही नहीं, और ठीक सोचोगे नहीं तो ठीक समझोगे कैसे, ठीक करोगे कैसे? इसलिए अच्छा सुनिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, शब्द भी एक प्रकार का आहार है जो आप कान से ग्रहण करते हैं। आपका ये आहार शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो ये मानसिक विक्षेप पैदा करेगा, मन बीमार हो जाएगा। आप देखिए, मंथरा ने जो विष उगला, कहां से प्रवेश किया उसने? थोड़े समय के लिए, यद्यपि यह भगवान की लीला है, पर जो भी हुआ, मंथरा ने जो विष उगला उसने कहां से प्रवेश किया? कान से ही तो प्रवेश किया। वो स्वार्थ में भरे जो शब्द थे, वो विषैले शब्द उसने कह कह के कान में जाकर डाले। और भरत जैसे महाभागवत को गर्भ में रखने वाली कैकेयी, और एकाएक श्री राम को भरत जी से भी अधिक स्नेह करने वाली श्री कैकेयी, एकाएक क्या कह बैठी, क्या निर्णय ले लिया? कान से गलत आहार हुआ, कुसंग हुआ, कुसंग ने विचार दूषित किया। और भाई वैसे तो भगवान की लीला है, पर देखो कुसंग का परिणाम क्या आया? कुसंग का परिणाम ये हुआ कि सदा सदा के लिए अपयश मिला, वो अपयश की पात्र हो गई। बहुत कम लोग ही तो जानते हैं कि भाई कैकेयी जी ने जो किया वो भगवान की इच्छा से किया। साधारण व्यक्ति तो आज कोई भी अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अगर हम इस दृष्टि से इसका विचार करें, हुआ क्या? कान से गलत आहार हुआ है, फिर गलत सोचा, गलत समझा, गलत कर दिया। इसलिए महापुरुषों ने कहा है भाई, अपना अपना संग साफ सुथरा रखना, गलत बात कान में जाने ना पाए। इसलिए आपको सुना रहा था उस दिन श्री गिरिराज वाले राधा स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की बात। वो तो कहते थे खूब खाए ले, खूब सोए ले, और खूब भजन करे। तो बोले काउदिना भजन में मन ना लगे तो बोले चादर तान के बोले सो जाए, बोले पर संसार की वार्ता ना करे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गहनतम प्रभाव होता है आपकी चेतना पर जो आप सुनते हैं उसका। मैं तो सदा ही कहता आया हूं भाई, सबसे बड़ी शक्ति शब्द की तो है। गुरु के मुख से निकला एक शब्द जीव को भव पार करा देता है, जीव भव से पार हो जाता है।